तथा एफ मास की परीक्षा का आयोजन बीते दिन अंजू श्री होटल में संपन्न हुआ। सर्जन की अखिल भारतीय संस्था अ मास सी के द्वारा पहली बार यह आयोजन हुआ। इस सेमिनार का आयोजन डॉक्टर मयंक गुप्ता द्वारा किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश से कई बड़े सर्जन ने अपने द्वारा किए कार्यों से मार्गदर्शन दिया। शहर में पहली बार दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन या लोपोस्कोपी सर्जरी की नेशनल स्किल कोर्स का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय सेमिनार के विशिष्ट कोर्स में उज्जैन ही नहीं प्रदेश और देश के भी सर्जन व गायनेकोलॉजिस्ट शामिल होंगे। इस कोर्स को उज्जैन में पहली बार करवाने वाले कोर्स संचालक और कोर्स ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर मयंक गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन राकेश शिवहरे का विशेष योगदान है। इस सेमिनार में लैपोस्कोपी और अन्य सर्जरी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सी पालन वेलू, फाउंडर प्रेसिडेंट आमसी, डॉक्टर पारस श्रीमाल, डॉक्टर बी एस पठानिया, डॉक्टर कल्पेश जानी, डॉक्टर उदय जयझुलकर, डॉक्टर सी पी कोठारी, डॉक्टर राकेश शिवहरे, डॉक्टर सुनील गुप्ता मौजूद रहे। ये अमासी का स्किल कोर्स है। अमासी बेसिकली स्टैंड करता है एसोसिएशन ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जन्स ऑफ इंडिया के लिए। ये हिंदुस्तान की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 10,000 से अधिक सर्जन्स व गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो अमासी हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में, अधिकांश महानगरों में ये स्किल कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे कि बाहर से फैकल्टी आते हैं, टीचर्स आते हैं और नए उभरते हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स और गायनेकोलॉजिस्ट को वे अपना शिक्षा देते हैं। तो उज्जैन शहर को ये पहली बार गौरव प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अमासी हेडक्वार्टर्स की तरफ से, उन्हीं की तरफ से कॉल आया कि हम चाहते हैं कि आप उज्जैन में ये स्किल कोर्स ऑर्गेनाइज करें। तो ये स्किल कोर्स में, ये 3 दिन का स्किल कोर्स है और इस 3 दिन के स्किल कोर्स में सभी गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन्स को उन्हें पूरा लेप्रोस्कोपी की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा।